राइट हाँ, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, यहाँ पर ए जिससे हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसकी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी गुड. एंड एट द सेम टाइम इफ द स्ट्रेंथ ऑफ बी इज सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज बैड और लोअर, देन इट्स डोनेटिंग कैपेबिलिटी विल बी मोर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दैट इज द मोस्ट फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन. ऑक्सीजन पोलैरिटी ज्यादा है हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो दिस विल हैव गुड पॉजिटिव बिल्डअप. एंड एन इज वेरी इजीली एबल टू डोनेट रिस्पेक्ट कंपेयर टू ऑक्सीजन तो दिस विल बी अ गुड डोनर एंड हेंस इट विल हैव अ बेटर स्ट्रेंथ. यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन की वजह से इसमें पोलैरिटी कम है और ऑक्सीजन की वजह से डोनेशन कैपेबिलिटी भी कम है तो दिस इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट. ठीक है, okay, let us now come and compare this thing. Which among the following will have higher boiling point or अरे sorry sorry my god got me. Which among following will have higher boiling point or melting point? Is it visible now? हाँ sir. Okay. Which among the following will have higher boiling point or melting point? ठीक है, तीन compounds हैं, ortho nitrophenol, meta nitrophenol and para nitrophenol. ठीक है, इनका order of melting and boiling point क्या होगा? Generally ऐसा होता है कि यहाँ पर basically इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस एच और ये ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच उस ओ के लोन पेयर के बीच में देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहां पर और यहां पर इन दो जगहों पर देयर इज गोइंग टू बी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, एक में इंट्रा और दूसरे में इंटर. ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जनरली ज्यादा स्टेबिलिटी आती है. ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी आने का मतलब क्या हो गया कि दैट विल हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी. राइट, अगर पोटेंशियल एनर्जी लोअर है उसकी ऑलरेडी, यानी और दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर तो पोटेंशियल एनर्जी लोअर है और इंटरमोलिक्यूलर में रिलेटिवली पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. ठीक है, द आफ्टर इंपैक्ट इज दैट कि जहां पर इंट्रामोलिक्यूलर फॉर्म होने की टेंडेंसी रहेगी वहां पर इंटरमोलिक्यूलर ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएगा. अपॉर्चुनिटी तो दोनों फॉर्म होने की यहां पर है बट चूंकि ये इंट्रामोलिक्यूलर में इन्वॉल्व है तो ये इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर में ज्यादा फेवरेबल ज्यादा स्टेबिलिटी इसको मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी लोअर डाउन ज्यादा हो रहा है. एम आई क्लियर? एक बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? ठीक है, सो द कंक्लूजन इज जहां पर इंट्रामोलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी बन रही है वहां पर इंट्रामोलिक्यूलर विल बी द मेजर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच विल बी फॉर्म. वेयर है जहां पर इंट्रामोलिक्यूलर नहीं फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है वहां पर तो इंटरमोलिक्यूलर ही होगा. अब इंट्रा और इंटर में होता है प्रॉब्लम क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर अगर फॉर्म कर लिया मतलब ये दूसरे वाले किसी अपने आजू बाजू वाले दोस्त भाई बंधु जो है उनके साथ इनका इंट्रैक्शन कैसा रहेगा? वीक या स्ट्रॉन्ग? अगर इसमें खुद में ही इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो अपने आजू बाजू वालों के साथ ये सिर्फ वैन डर वाल इंटरैक्शन करेगा विच इज अ वीक इंटरैक्शन. एम आई राइट? यस. देखिए अगर इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली ठीक है तो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इनविजिबल नहीं रहेगा क्योंकि साइड ही नहीं है. राइट ना? तो अगर इंट्रामोलिक्यूलर पॉसिबल है
तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर ही करेगा, और इस चक्कर में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शन है दैट विल बी हेविली डिक्रीज, राइट? क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कर सकता है, या इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन करेगा, या इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन करेगा, यही करेगा ना। और ये सारे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से काफी वीक है। एम आई मेकिंग सेंस? दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल का अपने आजू बाजू वाले दूसरे इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी वो नाइट्रोफिनॉल का अगर एक मोल लेता हूं तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन कैसा होगा? दैट विल बी वेरी वीक, ठीक है। एम नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल में कैसा होगा? दे आर गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इंटर मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर इंट्रा हो नहीं पा रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर सिर्फ इंटर ही होगा। जब इंटर मॉलिक्यूलर होगा तो इस मॉलिक्यूल और इसके बाजू वाले इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इज दैट ओके? तो अब मुझे ये बताओ कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में किसी भी दो या चार मॉलिक्यूल का पेयर लेते हैं, कलेक्शन लेते हैं, तो कहां पर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना ज्यादा इजियर रहेगा, पहले वाले में या चौथे तीसरे वाले में? ऑब्वियसली पहले वाले में, क्योंकि इनके इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत वीक है, जबकि इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहेगा? इंटरेक्शन बहुत लार्ज रहेगा। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब इसको और इसको करना है तो कैसे करते हैं? इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उससे आजू बाजू में क्लस्टरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एक पीरियड के बाद, मतलब एक बल्क के बाद होता क्या है कि एक बल्क, मतलब जैसे ये वाला दूसरे से किया, दूसरे वाला तीसरे से किया, तीसरे वाला, इस तरीके से ये राउंड अबाउट करने लगते हैं, यानी एक चेन टाइप का क्रिएट होने के बजाय इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग क्लस्टरिंग काइंड ऑफ, ठीक है। और क्लस्टरिंग क्रिएट होने से पैकिंग जो होती है, मतलब क्लोजनेस जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट बिकम सफोकेटेड एंड हेंस दे डोंट ट्राई टू फिट इट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। स्टेरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम रिपल्सन। मेरा बल्ब दूसरे के बल्ब को रिपेल करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा तो जरूर है, बट दैट इज क्रिएटिंग अ बल्क बल्क रिपल्सन, ठीक है। एंड दैट इज गोइंग टू डिमिनिश द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट ओके? देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल अगर दूसरा यहां पर अज्यूम करोगे तो वो भी इसी ओरिएंटेशन में आएगा, मतलब इसका एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, तो इसका एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब ये बात है कि अगर वो इस तरफ ऐसे जुड़ा रहा बेंजीन रिंग के साथ तो ठीक है, बेंजीन रिंग ऐसे, और फिर उसके बाद N2O, NO एंड O, फिर यहां से कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। सो ये एक तरह का कॉम्पैक्टनेस अल्टीमेटली क्रिएट करेगा घूम फिर करके इसके आजू बाजू में, जबकि इसमें क्या होगा, काइंड ऑफ लीनियर चेन क्रिएट होता जाएगा, या लीनियर नहीं क्रिएट होगा तो इस तरह का बल्किनेस एक ही सराउंडिंग में क्रिएट नहीं होगा। इज इट क्लियर हरसिद? ठीक है ना। अब बल्किनेस क्रिएट नहीं होगा तो स्टेरिक रिपल्सन जो होते हैं
वो नहीं होगा इस वाले कंडीशन में, जबकि इस वाले कंडीशन में उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। एम आई राइट? एंड जहां पर भी किसी भी तरह का रिपल्सन का पॉसिबिलिटी बनेगा वहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी दैट विल बिकम स्लाइटली वीकर। इजंट इट? ठीक है, देयर फॉर मेटा वाला में भी इंटरमोलिकुलर होता है बट उसमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज स्लाइटली वीकर देन पैरा वाला बॉन्डिंग। ठीक है, अब पैरा वाला बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो है दैट हैव मोर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू पुल देम ऑफ एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जब रहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसी रीजन से हायर रहेगा, इनका इनका रिलेटिवली कम रहेगा, और ये क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे कम है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इनका कम रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस? द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर? हेलो, यस, नाउ जस्ट नोट इट डाउन।
सर आपको तो मिल जाए एंड्रॉइड में लिखवाना है, कुछ वर्ड चेंज नहीं करना है। Intermolecular hydrogen bonds are responsible for holding two molecules closer, and their presence make boiling point and melting point higher. Okay? That is separation from one molecule to other molecule. Yes. M nitrophenol has lesser symmetry than P nitrophenol, so it has lower boiling point and melting point than P nitrophenol. Lower symmetry से basically मतलब ultimately यही हो जाता है, symmetry कम है, straight line नहीं form होगा, it will start forming a bulk, and that bulk will be finally repulsive, will have some repulsive feature. Which will make its boiling point, melting point slightly lower than para 1. हाँ बोलो ना। नहीं, कॉम्पैक्टनेस वाला पॉइंट ये सिमेट्री से ही आता है। राइट। हाँ, और दूसरे वाले में सिमेट्री ज्यादा होने की वजह से कॉम्पैक्टनेस नहीं बढ़ता है, यानी स्टेरिक रिपल्सन नहीं बढ़ते हैं। सिमेट्री नहीं होने को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर सिमेट्री है किसी चीज में तो उनकी पैकिंग जनरली अच्छी होती है, अगर सिमेट्री नहीं है तो इनकी पैकिंग जो होती है अच्छी नहीं होगी। दे विल नॉट बी पैक्ड वेरी क्लोज, दे कांट कम वेरी क्लोज, दैट इज अनदर वे टू व्हिच इट इज एक्सप्लेन। ऊपर वाला पार्ट नोटेड और ये वाला, हाँ ये भी बना लो, दिस इज फॉर नेक्स्ट पार्ट टू डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटेंट ऑफ डायपोल डायपोल और आयन डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इफ सॉल्यूट पार्टिकल हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम देन इट्स एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट डिक्रीजेस due to decrease the extent of intermolecular hydrogen bonding or dipole-dipole interaction. अगर पहले से intramolecular hydrogen bonding molecule के अंदर में है, if a molecule already has an intramolecular hydrogen bonding, then its chances of forming hydrogen bond with water will be much lower. जबकि intermolecular अगर रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ,
in that case, the possibility of forming hydrogen bond with water will be more. ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ भी. देखो इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर फेवरेबल इस वाले ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. द रीजन इज दिस विल हैव लेसर डोनेटिंग कैपेबिलिटी कंपेयर टू दिस, राइट, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp2 के बीच में रहता है, ना प्रॉपर sp2 ना प्रॉपर sp3. तो यानी sp3 नहीं है मतलब sp2 के क्लोजर आया, sp2 के क्लोजर आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ठीक है ना. तो इसकी डोनेशन कैपेबिलिटी क्या होगी, रिलेटिवली कम होगी, राइट ना. नाउ द पॉइंट इज कि ये ज्यादा फेवरेबल है बट फिर भी ये फॉर्म नहीं हो पाते क्योंकि साइड की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ है, ठीक है. या ऐसे बोले कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंट्रा होने की वजह से इट्स रिलेटिवली लोअर, ठीक है. और उसको दो इसके पास अच्छी डोनेशन कैपेबिलिटी है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक दिस इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है. ऑन कॉन्ट्रेरी इंटरमॉलिक्यूलर अगर रहता, ऑर्थो सॉरी पैरा या मेटा वाला सिनेरियो अगर रहेगा, उसको अगर हम H2O में डालेंगे तो ये H2O के साथ उनके H की बॉन्डिंग जो होगी ना, दैट विल बिकम मच बेटर. इज दैट ओके? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बोला कि अगर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए रहेंगे तो इनका पोटेंशियल रिलेटिवली लोअर रहेगा. अब ऐसे में अगर ये ऑक्सीजन डोनेट करके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी करता है इस हाइड्रोजन के साथ, तो उसमें जो हमको एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सफिशियंट एनफ टू ब्रेक दिस इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड. क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नीचे है. यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा इसको फॉर्मेशन में, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके ऑलरेडी नीचे है, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं हो पाए. क्या क्या देखो, मान लो नॉर्मल मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोफेनॉल, उसका ये पोटेंशियल एनर्जी है, वो नाइट्रोफेनॉल का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आ गया है इंट्रा मॉलिक्यूलर की वजह से, ठीक है, और पी नाइट्रोफेनॉल का जो है वो यहाँ तक ही आया है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. ये है पी नाइट्रोफेनॉल, पीएनपी नाइट्रोफेनॉल, और ये है ओ नाइट्रोफेनॉल, ओएनपी, ठीक है. अब हमने डाला वाटर, तो वाटर जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो अच्छा खासा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, बट दैट इज नॉट सफिशियंट टू ब्रेक दिस, मतलब मे बी यहाँ तक लेकर के आएगा, इतना ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. मतलब ये ऑक्सीजन अगर इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे तो वो इतना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है. अब पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ इतना ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा? नहीं करेगा. ये वाला कर पाएगा? यस, ये कर पाएगा. क्यों कर पाएगा? क्योंकि एनर्जी मिल रही है हमको ज्यादा, ठीक है. अब फॉर्म होने के बाद फिर से उसकी पोटेंशियल ड्रॉप होती है, दैट यू आर गोइंग टू सी इन थर्मोडायनेमिक्स, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, बट अभी के लिए हाँ, ये बैरियर क्रॉस ब्रेक होने के बाद फिर से वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन जाती है टू एन एक्सटेंट. इसके साथ जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इतनी एनर्जी मिल रही है जो इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, यहाँ पर इसको ब्रेक कर पाएगी, और ब्रेक होने के बाद फिर से जब ये बॉन्ड फॉर्म होएगा तो द पोटेंशियल एनर्जी विल अगेन कम डाउन, ठीक है. और वो डाउन यहाँ के रेस्पेक्ट में इतना आएगा, जितना ये है ना लेंथ, उतना ही यहाँ से यहाँ आकर के रुक जाएगा, ठीक है.
अब यहां पर चूंकि गैप अभी भी है, इसलिए हम बोलते हैं कि ओ नाइट्रोफिनॉल का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं ब्रेक कर पाएगा, ठीक है? इज दैट ओके? आप बोलिए ना अक्सर। देखिए ये अगर ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्म करता है तो एनर्जी सिस्टम को मिलेगा जो इस बॉन्ड को पहले ब्रेक करने में जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तभी तो ये पूरी तरह से इसके साथ अटैच होएगा ना, नहीं तो ये हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली दो ऑक्सीजन के साथ थोड़ी अटैच रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? वेरी गुड। ये चीजें नीचे में लिखी हुई है उसको नोट कर लें हम लोग। कर सकते हो रहेगी ना बेटा, एनर्जी इफिशिएंट नहीं है ना, ठीक है? ओके। जबकि पैरा और मेटा के साथ क्या रहेगा? एनर्जी इफिशिएंट रहेगा तो वहां पर वो फॉर्म होएगा, उनकी सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, बट वो नाइट्रोफिनॉल की सॉलिबिलिटी क्या होगी? कम होएगी। अच्छा कल वाला लेक्चर थोड़ा सा लेट से कर लूंगा, अभी 11:30 रखा है, इंस्टेड ऑफ 11:30 कल मैं 12:30 से लूंगा, 12:30 से 3:30 तक और फिर 7:30, मतलब 7 तक 7:30 7। हाँ नोट कर लिया ये आप लोगों ने? I don't want to. Now there is this question: urea and orthophosphoric acid के बीच में there are 3 hydrogen bonds which are formed. ठीक है? Is it visible? This is urea molecule. This is orthophosphoric molecule. Is it visible? This is orthophosphorate
this is urea. ठीक है ना, 1, 2, 3 तीन फॉर्म हुए हैं. अब आप लोगों को मुझे ये बताना है विच ऑफ देम इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड विच इज वीकेस्ट, दैट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दीज थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच हैज बीन शोन टू यू. इज दैट ओके? आर वी कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन? वेरी गुड. तो आंसर ढूंढ के बताओ मुझे. आई होप आंसर देखा नहीं था हम लोगों ने. क्या हो गया था? कोई बात नहीं है, मैंने बस आपको ये बोला कि ऐसे कंपैरिजन में आप क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू पॉइंट आउट व्हाट इज योर ए एटम एंड व्हाट इज योर बी एटम. ठीक है, फिर से लिख देता हूँ. तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं. फिर सो व्हाट इज ए एटम इन फर्स्ट बॉन्ड? हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है? नाइट्रोजन. व्हाट टाइप ऑफ नाइट्रोजन इज दैट? इज इट sp3 sp2? ये sp2 है. पिटोगे थप्पड़ लगेगा. बी एटम क्या है? कैसा? ऑक्सीजन. ये कैसा है? ऑब्वियसली. और क्या पूछूंगा? काला पीला लाल सर? काला हाइड्रोजन है, पीला ऑक्सीजन है. हाँ, सेकेंड वाले के लिए नाइट्रोजन क्या है? ए एटम. यानी हाइड्रोजन किसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है? और वो ऑक्सीजन किस नेचर का है? सर sp4. हाँ बोल रहा है. sp3 है ना? हाँ हर्षित, क्या कर रहे हो? सो रहे हो? व्हाट इज बी एटम? डोनर एटम कौन है? क्या कैरेक्टर है उसका? हाँ देखो, बोलते नहीं हो तुम लोग ना, तो फिर मुझे गुस्सा आता है. और इसमें क्या सोच रहे हो? यहां पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन कैसा ऑक्सीजन होगा? क्या डबल बॉन्ड? Yes, it will be sp2. इतना टाइम क्यों लगा? थर्ड वाले का क्या होगा? What is the atom? N. कैसा है? और आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही है. N is what type? sp3 अभी आ रही है. B atom क्या है? ऑक्सीजन. कैसा? sp2. अब ए और बी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का रिलेशनशिप क्या होता है? en of a is directly proportional to h bond strength.
H bond is filled, and En of B is inversely proportional to H bond strength. Is that okay? अब ऑर्डर में इसको सजाइए बैठ के, वो भी मैं करूंगा, नहीं ना? That has to be done by you guys. This is how you have to do it. Whenever it comes for comparison, this is how you have to go about doing it. It is one such example. Is that okay? Very good. Let me know your answer. A के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? और B के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये दोनों तो एनी में नीचे आने वाले हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन जो होगा वो ज्यादा पोलर हो जाएगा, उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है? इनके ऊपर रिलेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हेंस दे आर गोइंग टू हैव लोअर एनर्जी एनीवे. तो इनकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन ए एटम है, या फ्लोरीन ए एटम है तो ऑक्सीजन के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो यहां पे ये क्लियरली रेस विन कर जाता है. और एनीवे ई एटम जो है sp2 sp3 ही है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बी एटम की वजह से नहीं आने वाला है. हाँ, sp2 sp3 का थोड़ा स्लाइट डिफरेंस रहेगा, मतलब यहां पर अगर sp3 के साथ ये बॉन्डेड होता तो देन इट वुड हैव द बेस्ट एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी. उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम इसका जरूर रहेगा, बट दैट विल बी डेफिनेटली मच ग्रेटर देन दिस और दिस. इन दोनों में कंपेयर क्या करेंगे, तो ए एटम्स आर सेम, बी एटम्स आर डिफरेंट. डोनेशन इसमें ज्यादा कैपेबिलिटी है sp3 होने की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहेगा इसका, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगा. देयरफॉर प्रेफर्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 2 विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड इन ए हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, फॉलोड बाय 1 एंड फॉलोड बाय 3. इज दैट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? So this is the way in which you guys are going to make a comparison. Am I clear? Yes. Very good. ये सारी चीजें नोट मत करो. These things you already know, right? हाँ. ठीक है ना? तो इनको नोट करने की जरूरत नहीं है. Let us go now to next problem. Okay, चलो यहाँ पर नोट कर लो. Think the question is. Alcohols में हाइड्रोजन बॉन्ड The question is, compare the solubility of alcohol and ether. Compare the solubility of ROH and ROR. ROH is alcohol. And R O R R dash, that is ether.
वॉट है, ठीक है? तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग? आर ओ एच जो है उसके अंदर कितने साइट्स हैं, दैट वी विल काउंट. एंड आर ओ आर में कितने साइट्स होंगे? कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज है? तो आर ओ एच में कितनी अपॉर्चुनिटीज है? 4 है. कैसे? क्यों? ये वाला मतलब हाँ, तो टोटल चार साइट्स हो गया. तो उसमें हाँ, इस वाले में कितने होंगे? थ्री. और इस वाले में कितने होंगे? टू. तो एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी? वाटर के साथ आर ओ एच में. तो कौन ज्यादा डिजॉल्व करेगा? आर ओ एच में ज्यादा साइड्स है डिजोल्व करने पे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए. तो आर ओ आर कैसे डिजोल्व हो जाएगा ज्यादा? जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वो ज्यादा डिजोल्व होगा ना. वाटर में डिजोल्यूशन इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विद हाइड्रोजन, सॉरी ओ एच डाइपोल. उल्टा पुल्टा दुनिया ही चला देगा. तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया इसलिए कम डिजॉल्व होगा. आर से आवाज स्लो आ रही है आपकी, बहुत स्लो, सुन नहीं पा रहा. बी लाउड है. अभी आ रही है? आ रही आ रही है. तो माइक को तुम 5 किलोमीटर दूर रख के क्यों बोलते हो? तो मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो फिर उसकी सेम स्पीशीज उसके अराउंड वो जो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएंगे. किसके साथ? आर ओ एच की अलग अलग स्पीशीज, सॉरी आर ओ एच की जैसे सेम आर ओ एच ब्रेक करना मुश्किल रहेगा ना. आर ओ एच के सेल्फ बॉन्ड बोल रहे हो, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स? हाँ सर. आर ओ एच के सेल्फ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्गर रहेंगे, इसकी वजह से दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? यस सर. ओके, लेट अस नाउ लुक, हैव अ लुक एट इट. ठीक है, आर ओ एच में क्या है? इस ओ के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में इनमें से तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर गोइंग टू हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? Yes. और ये ROH का दूसरा मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन के पास अपॉर्चुनिटी है या तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले या फिर द अदर अपॉर्चुनिटी इज विद दिस वन, ठीक है? अगर ये आया तो, यानी वाटर के अंदर डाल दिया तो, एक सेकंड रुको, मैं पॉज. वेरी गुड. सो आई वाज सेइंग कि वी वर अबाउट टू डिस्कस द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बिटवीन दिस हाइड्रोजन
had with this oxygen or with this oxygen. I can number them 1 and 2. Oxygen number 1, oxygen number 2. ठीक है? देखो, यहाँ पर electron density वो oxygen के ऊपर में होगी. That is because of the electron density which it has, मतलब its own lone pair density plus the electrons which it has pulled from hydrogen and the electrons which it has pulled from this R is nothing but carbon atom. ठीक है? Is that okay? यहां पर क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन एटम से जितना इलेक्ट्रॉन्स पुल कर पाए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को प्लस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में से ये डोनेट करेगा. तो अब मुझे ये बताइए बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी एंड एच, यू नो दैट व्हिच वन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग सी एंड एच? आ सी, ईएन ऑफ सी इज greater than En of H. That is known to you guys. Very good. So you know half of the information. Now apply this to predict the electron density on 1 and 2. Which one will have greater electron density? 2. Which one will have greater electron? 2 will have greater electron density because वेरी गुड. सो अब ये जब आपको पता चल गया तो विच वन विल बी अ बेटर डोनर, 2 और 1? One will be a greater donor. जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा देगा, सारी लंबा जो होगा वो ज्यादा दान करेगा. फिर वन विल बी ग्रेटर डोनर बोल रहा है. जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो ज्यादा बेटर डोनर होगा. ठीक है? और ज्यादा बेटर डोनर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली उसके साथ बेटर बनेगी. सो विच विल बी फेवरेबल अगर ये भी हो प्रेजेंट, मतलब ये भी हो प्रेजेंट और वाटर भी हो प्रेजेंट, तो किसके साथ किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटर होएगी, स्ट्रॉन्गर होएगी, ज्यादा फेवरेबल होएगी? अल्कोहल के साथ. अल्कोहल की ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसके साथ फॉर्म होएगा, इस मॉलिक्यूल ए के साथ या इस मॉलिक्यूल बी के साथ? ए के साथ. ए के साथ, दैट इज वाटर के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होएगा. ठीक है? एंड देयरफॉर अल्कोहल विल गेट डिसॉल्व मोर इन वाटर, डिसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स अदर मॉलिक्यूल, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग बॉन्ड विद वाटर. Is that clear? बात समझ में आ रही है आपके हर्षित? हाँ सर. डाउट क्लियर हुआ आपका? अब मुझे आप चल के अब यहां पर बताइए विच वन विल बी मोर सॉल्युबल, आर ओ एच और आर ओ आर? सबको आर ओ एच. ROH will be more soluble because it has greater number of sites for hydrogen bonding compared to ROR, which has lower number of sites for hydrogen bonding. Clear? Or any doubt? No doubt, sir. Very good. हाँ बोलो. Also because it has more ROH ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी सारे पैरामीटर सेम होते हैं तब फिर कंपेयर करते हैं, वो सबसे लास्ट चीज है. ठीक है? उसके पहले भी हमारा बैटल हम जीत जा रहे हैं तो फिर आपने चलो. मुझे और एक मतलब ऐसा डाउट है सर लास्ट. हाँ बोलो.
बोलो सर, आरओआर के केस में फिर जब वो एचटू के साथ करेगा रिएक्ट, तब ज्यादा मतलब दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक आरओआर के मॉलिक्यूल के साथ डोनेशन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा, निश्चित तौर पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाँ तो बनेगा, मैं कहाँ बना कर रहा हूँ। तो सर वो सर ज्यादा इजीली बना देगा ना। कैसे बना देगा ज्यादा इजीली? अरे इजीली बनाने से क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा जब नहीं बनेगा तो। एक में पर मॉलिक्यूल तीन तीन बन रहे हैं, एक में दो ही बन रहे हैं, तो एक मोल मॉलिक्यूल का जब हम कंसिडर करेंगे, दिस विल फॉर्म 3 moles ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस विल फॉर्म जस्ट 2 moles ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ से एनर्जी हमको ज्यादा मिलेगी, यहाँ से एनर्जी कम मिलेगी, तो इसका एक्सटेंट ज्यादा हो जाएगा ना, ये ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, चलिए आंसर नोट कर लीजिए, फिर आगे का कंपैरिजन करते हैं। दोनों ही लिख सकते हो, आर ओ आर का मतलब इधर वाला अल्काइल ग्रुप और इधर वाला अल्काइल ग्रुप सेम है, आर ओ आर डैश जब लिखते हैं दैट मींस दोनों तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, सेम ही हो सकते हैं। Noted the answer. Next question. Between ROH and carboxylic acid, which is more soluble in water? Do I need to let you guys know? ठीक है, व्हाट इज द रीजन? ग्रेटर नंबर ऑफ साइट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। इसमें कितना है? हाँ, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर और एक ये पांच। यहाँ पर क्या है? तीन ही है, तो यहाँ पर कम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा सॉल्युबल होगा। नोट कर लो। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लेना, आफ्टर दिस इसको भी नोट कर लेना। एन ए प्लस अगर है तो, या फिर अमोनियम आयन, ठीक है, या फिर NaCl और अमोनियम आयन, विच इज मोर सॉल्युबल इन वॉटर, विच वन विल बी मोर सॉल्युबल? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, व्हाई सो? तो बिकॉज़ इट हैज फोर साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। यस, ठीक है, सो
वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ज्यादा स्टेबल हो जाए, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबल हो जाए, ज्यादा सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, ठीक है, आंसर्स लिखे भी हुए हैं बट ठीक है, इट्स गुड यू गेस्ड इट और आई डोंट नो एनीवे। सो बिकॉज अमोनियम आयन हैज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, कंपेयर्ड टू सोडियम व्हिच एक्चुअली इंटरैक्ट्स विद आयन डाइपोल इंटरैक्शन। NaCl therefore will be less soluble than ammonium chloride. अरे आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, फिर से बोलो। सर NH4 can form how many hydrogen bonds? NH अनिनेट हो गया। चलो अब पूछो क्या पूछ रहे हो, अमोनियम आयन में कितने साइड्स हैं ना, तो इसके लिए क्या करो। हाँ बोलो सर, वो कितने H2O के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कितने H2O के साथ, तो इसमें जितने साइड्स होंगे ना उतने H2O के साथ वो करेगा। सर वो H2O में ऑक्सीजन के बाद दो लोन पे, लोग इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अमोनिया का, कैसा होगा स्ट्रक्चर अमोनिया का, टेट्राहेड्रल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यस सर, ठीक है। और अब यहाँ पर एक O अगर यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है तो कैन इट एवर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस, yes or no, what's your viewpoint, can it form from here to here? What's your take? Sir, it can. It can? कैसे भाई? हाँ, distance भी कोई चीज होती है कि नहीं? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्लोज आकर के ही अट्रैक्ट करता है ना, एक मैग्नेट को तुम्हारे घर पे रखूं और एक मैग्नेट को मैं वसई वाले सेंटर पर रखूं, विल दे एबल टू अट्रैक्ट ईच अदर? नो सर। व्हाई? लार्जर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी लार्जर डिस्टेंस लग रहा है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये कर भी सकता है, ये वाला एटम नहीं कर सकता है, नहीं बट वो नहीं, ये किसी और के साथ डेफिनेटली कर सकता है क्योंकि इसके पास साइट है अवेलेबल, किसी और अमोनियम मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन ये ऑक्सीजन अब वापस से किसी और साइट इसी मॉलिक्यूल के नहीं कर सकता साइमल्टेनियस बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये किसी और अमोनिया के साथ नहीं कर सकता, किसी और अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ कर ही सकता है। Are you getting this point? दो साइट है इसके पास अवेलेबल तो ये दोनों साइट से करेगा, नाइट्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन दूसरे अमोनियम अमोनियम आयन के हाइड्रोजन एटम को ये अट्रैक्ट करेगा, बस इस अमोनियम आयन के दूसरे किसी हाइड्रोजन साइट को ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते या उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अमोनियम आयन को? हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है मेरी बातें? किसकी बात है, समझ नहीं आ रहा। अरे मैंने ये पूछा, मैंने कहा पूछा, उसने पूछा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरैक्ट करेगा, तो मैंने बोला कितने साइड्स, बोला चार, मैंने बोला चार के साथ करेगा, बोला चार ग्रुप में,
एक साइड में दो है ऑक्सीजन के, तो दो हो गया और चार डिवाइडेड बाई दो, राइट, एक दो फॉर्म कर सकता है, तो चार फॉर्म करने में कितने मॉलिक्यूल यूनिटरी मेथड, हाँ वाला दो क्यों है, हाँ तो नहीं पूछते हैं। तो मैं फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया में हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, इट्स नॉट ऑलवेज यूनिटरी मेथड, इज दैट ओके हर्षित? देखो कहाँ चला गया लड़का, फोर, क्लियर है क्यों? यस सर, कोई इशू नहीं है ना? नो सर। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं दिखा पाऊँ, क्वेश्चन है। And let me know which will be more solvable. Yes, sir. So, the final thing is amines are less soluble than alcohols in water. ठीक है? नोट कर लीजिए। सर एक बार मतलब ऐसे अगर इसे रीजन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यही चीज लिखोगे, कैसे लिखोगे, लिख के दिखाओ, कैसे लिखता हूँ, बहुत मेहनत करना है। चलो नोट कर। Point number one, hydrogen in ROH is more polarized than hydrogen in RNH2. Hence, it will form more stronger H bond. Polarized.
ऑक्सीजन इन आर ओ एच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन एन एन आर एन एच टू. Is poor donor but it has more number of sites to form H bonds. This okay? This is a more prominent explanation than this one. This is a subsidiary explanation. Assistance ki tarah kaam karta hai, not the prime explanation. ठीक है? अब अगर हमको तीन मॉलिक्यूल मिले हैं, चार मॉलिक्यूल, RNH2, ROR, ROH. RCOH. What do we think? What should be the order? ये चारों मॉलिक्यूल का आपको करना है. हाँ, ये कॉपी कर लो. खुद से नहीं लिखेंगे. बोली आप बोलो. हाँ, क्वेश्चन दिखाते हैं. ये नोट कर लिए? हाँ सर. ठीक, जल्दी नोट करो फिर, बाकी लोग का हो गया. हाँ, ए है, बी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल है, डी मॉलिक्यूल है. ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी in water क्या रहेगा? Yes sir. बी के बाद ए क्यों भाई? बी तो साइड में, पहले तो एबीसी आ गया. इंक्रीजिंग में कर रहे हो? डिक्रीजिंग में कर रहे हो? इंक्रीजिंग. तो बी को साइड में रख दिया. आखिरी की सबसे पहले नहीं, उसको ऐसे साइड में क्यों? सर मेरा आ गया, मतलब बोलो. बी सी बी ए. कैसे बोलो? बी सी बी ए. बी नहीं सर, डी फॉर डेनमार्क डोंकी टाइप. ठीक है, डी फॉर डोंकी. इट इज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट.
सर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ठीक है, डी फॉलोड बाय सी, सी फॉर कैट राइट, यस सर, वेरी गुड, फिर बी फिर ए, फिर बी, बी क्यों सर, उसके पास तीन साइड्स है और लास्ट मतलब फर्स्ट वाले के पास दो ही साइड्स है स्टोर से वैसे कंपैरिजन की। और डी सी फिर उसके बाद बी फिर ए, क्या क्या क्यों यहाँ पे किए हो? अरे हाँ काम कर बात तो हुई है बराबर। डी सी बी ए मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, गिव इट 2 मिनट्स, आई विल हैव सम, इट इज मोर डिपेंडेंट हर से so according to the algorithm it is more dependent on number of sides and then it is dependent on the secondary idea, secondly it is dependent on obviously the extent of bonding, that is polarity of hydrogen, and then subsequently on donating capability of the atom, the donor atom, is that okay? अब यहाँ पर बताने टाइम मैंने जस्ट ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया इन लोगों से, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, अलाइल अल्कोहल, दीज ऑल अल्कोहल, सिक्स ऑल अल्कोहल्स आर इनफाइनाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इनफाइनाइटली सॉल्युबल मतलब आपको जिस रेशियो में मिलाना है मिला सकते हो पानी में, दे ऑल विल डिसॉल्व। इनके बाद के जो है यानी ब्यूटाइल, पेंटाइल and thereafter they are not infinitely soluble, they will have a limit, you can only dissolve 8 liter pani mein pentyl agar hai to maybe 10 15 or 20 gram dissolve kar sakte, so there is a limit to it, whereas ye jo hai ye kisi bhi ratio mein dissolve kar sakte, no matter kitna pani aur kitna ye use kar lo they will dissolve always, is that okay? This information has nothing to do with, just for ideas, एक और आइडिया वो मैंने लिख रखा है। तो कैसे पॉसिबल? क्या कैसे पॉसिबल है? इंटरनल होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स में तो लगभग सेम रहते हैं, जितना मिथाइल अल्कोहल के दो बॉन्ड टू के बीच में रहेगा, वाटर के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्गर फॉर्म होता है, बट ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ का होता है, तो जब इक्वल स्ट्रेंथ वाले होने लगते हैं ना तो एक दूसरे को वो रिप्लेस कर सकते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट नेचर को चेंज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी? यहाँ पर दिया हुआ है इट इज डिपेंडेंट ऑन, इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है, यानी कार्बन चेन का लेंथ जितना बड़ा होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, जिसमें छोटा कार्बन चेन होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिसमें बड़ा कार्बन चेन होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, कम सॉल्युबल होगा, इज दैट ओके? कैन वी टेक दिस डाउन? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके okay.
आई एम डन नाउ वी कैन डिस्कस सी यहां पर आईडिया ये है कि जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है और हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना छोटा होता है सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है ठीक है इज दैट क्लियर Yes. ठीक है नेक्स्ट वन H2O इज लिक्विड बट H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर दो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2S इज मोर देन H2O एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो The answer lies in the fact that H2O is capable of forming hydrogen bonds, whereas H2S does not form hydrogen bond. It just have dipole-dipole interaction, which is a weaker interaction compared to hydrogen bonding interaction. Is that okay? And therefore, this exists as associated molecules or in liquid state, whereas this exists in gases at room temperature. Fine. Here I have compared the boiling point of all the group 16 hydrides. Sulfur H2S has minus 60 degrees Celsius boiling point. H2S E selenium hydride is minus 41, terbium hydride is minus 2 degrees Celsius and H2O hydrogen oxide is 100 degrees Celsius. This is a huge jump. Molecular weight kitna different hai aur ye jo hai boiling point that is I mean, despite of having very low molecular weight, H2S is having that great or that much higher boiling point. Okay, compared to H2PE, even H2PE. Okay, so basically the molecular interaction, intermolecular interaction, where H2O may it's extensively high that brings molecules together. And it forms a liquid system. So, बोलिए. तो अगर ये हमने H2S लिया, उसको हमने उसको हमने गर्म किया और हमने उसमें हार्ड डाल दिया, क्योंकि हमने तो वो कोल्ड ही लग गया, क्योंकि माइनस 60 डिग्री. पागल हो गया है. किस टेम्परेचर पर तू हीट कर रहा है उतना उसका टेम्परेचर क्या है तो -100 में वो लिक्विड में रहेगा जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएगा -60 पर लेकर के आएगा तो गैस बन जाएगा तो गैस बन गया तब भी उसको छुएगा -60 पर तो ये फीलिंग तो तुमको -60 वाला ही देगा ना तो इसलिए वो ठंडा फील होगा अब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ला दिया और फिर छुएगा तो ठंडा थोड़ी रहेगा तो गर्म फील देगा कैसा क्वेश्चन था ये टेम्परेचर इज द इंडिकेटर ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस और कूलनेस जिस टेम्परेचर पर रखोगे उसके हिसाब से वो फीलिंग आएगी ना एकदम आउट ऑफ बॉक्स फीलिंग हो गई चलेगा मैं बता देता हूँ गुड द गुड थिंग इज योर थिंकिंग I love it. I think therefore I exist. Have you heard this statement ever before? Sare log. I think because I exist. I think therefore I am. Particle ergo sum. No, sir.
फेमस बोट इट्स नॉट बोट इट्स अ फेमस फिलोसफी या फिलोसफी ऑफ वन ऑफ द वेरी फेमस फिलोसफर फ्रेंच फिलोसफर Descartes, René Descartes. I think therefore I am. What he is trying to say is, I think therefore I am. It's very common. मतलब मैंने इसको पता नहीं मैंने कभी सुना नहीं था but I used to feel it always. I think therefore I exist. ये मैं इस तरीके से आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है सी आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट आई थिंक देयरफॉर आई ऑलवेज एग्जिस्ट माय ये मोटो ऑफ एग्जिस्टेंस इज माय थिंकिंग ठीक है देन आई कम अक्रॉस दिस थॉट व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय यूपीएससी एग्जाम्स यूपीएससी में एक पेपर है फिलोसफी ये एथिक्स तो एथिक्स के लिए वी हैव टू रीड मेनी फिलोसफर्स एंशिएंट फिलोसफर्स फिर मेडिवल फिलोसफर्स फिर मॉडर्न फिलोसफर्स सबकी व्यूज पढ़नी होती है एंड फिर उस व्यूज को पढ़ने के बाद देन यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ माइट बी इन देयर वर्ड्स और इन योर वर्ड्स दैट डिपेंड्स थॉट प्रोसेस मिक्स हो सकते हैं तो वहां पर पढ़ते टाइम में आई देन कम अक्रॉस दिस कार्टेगोरिगोसन मैं भी थोड़ा सा सोचता इट फील्स गुड आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट और विचार और प्लीज समथिंग लाइक दिस इसका पता नहीं आगे क्रिएट कर मैंने डायग्राम डाला है दैट्स इंपॉर्टेंट उससे थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड स्टेट में क्या होता है ये और टेट्राहेड्रल है तो ये चार बॉन्ड्स मतलब दो हाइड्रोजन दो कोवेलेंट इस तरीके से फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसी तरीके से कर रहा है एंड things have become compactly packed. Now compact packing होने के time पर इस pattern को follow करने की वजह से it becomes a open cage structure. ठीक है? Why? Because molecules have come much closer. एक they are getting packed compactly and कॉम्पैक्ट पैकिंग के टाइम पर दे कैन एग्जिबिट ओनली दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न ठीक है बिकॉज ऑफ दिस इट हैज अ ओपन केज स्ट्रक्चर दैट मींस इन बिटवीन दीज देयर विल बी अ वैकेंट और एम्प्टी स्पेस व्हिच विल बी इनक्लोज्ड एट मॉलिक्यूलर लेवल ठीक है मतलब एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल चार मॉलिक्यूल पांच मॉलिक्यूल छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बारह मॉलिक्यूल के बीच में देयर विल बी स्पेस विच विल बी ऑलमोस्ट अनऑक्यूपाइड ठीक है एंड फॉर सच एवरी ट्वेल्व इलेवन नहीं ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स रहेगा एवरी ट्वेल्व मॉलिक्यूल इस तरह का एक एक्सक्लूडेड एरिया उसके अंदर इंक्लूज रहता है ठीक है इज दैट ओके हेलो यस सर ठीक है नाउ व्हाट हैपेंस इन लिक्विड स्टेट जब ये लिक्विड स्टेट में आता है तो ये अरेंजमेंट जो होते हैं ये कॉम्पैक्ट नहीं रह जाते हैं कॉम्पैक्ट नहीं रह जाते हैं से मतलब क्या है ऑल द मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी सिटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर ठीक है There will appear some more spacing, and this more spacing may this will penetrate towards this, this will penetrate towards this, and this cage volume that reduces. Yeah,
सर वो फ्री होने लगते हैं ना? हाँ, ये फ्री होने लगते हैं, हर जगह से फ्री होने लगते हैं. द बॉन्ड्स आर नॉट वेरी कॉम्पैक्ट, और सॉरी, द स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी कॉम्पैक्ट. तो दे बिकम फ्री, एंड जब वो फ्री होते हैं तो अपनी पोलैरिटी की वजह से दे विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनटू टू कम क्लोजर टू दिस थिंग्स. ठीक है, देयरफॉर दिस ओपन वॉल्यूम और द एम्प्टी स्पेस वैनिशेस. इज दैट ओके? दैट इज व्हाई H2O आइस हैज ग्रेटर वॉल्यूम दैन H2O लिक्विड. क्लियर? हेलो, हेलो, एम आई मेकिंग सेंस? क्वेश्चन नोट कर लिया था हम लोगों ने? ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया तो फिर सॉल्यूशन भी नोट कर लो. एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस टुडे. विल स्टॉप एट दिस. सो क्वेश्चन के नीचे आपके जो सेंटेंस है वो भी यहाँ से नोट कर. ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, वहां से ड्रॉ कर. मैंने भी वहीं से कट किया. हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर है, यू हैव दिस डायग्राम. हाइड्रोजन का भी चैप्टर है? हाँ, हाइड्रोजन इज अ सेपरेट चैप्टर. उसके अंदर में यू हैव दिस डायग्राम. ओके, वो कौन सी केमिस्ट्री में अंदर आता है? इनऑर्गेनिक. इसके बाद अगला चैप्टर जो इनऑर्गेनिक का होगा, दैट